अस्सलाम वालेकुम YouTube फ्रेंड्स, स्मार्ट किचन में वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन लोडेड राइस। इसके लिए हमें चाहिए आलू 1 kg, चीज़ 200 ग्राम्स, केचप और मेयोनीज के साशे, चिकन, चटपटी चिकन की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, दूध 1 कप, मैदा 2 से 3 टेबलस्पून, और ऑयल हमें चाहिए फ्राइंग के लिए। चले फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्राइज कटिंग करके इनको बॉइल्ड वाटर में 2 मिनट के लिए बॉइल होने रखा था। मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको मैं पानी को स्ट्रेन कर दूंगी। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए बटर भी ले सकते हैं, मैं ऑयल ले रही हूँ। तकरीबन 1/2 कप के करीब ऑयल है, 3 टेबलस्पून मैदा है, इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से धीमी आंच पे इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कुक करेंगे। जो है वो मैं हटा के डालूंगी। पेस्ट की तरह बन जाएगा, अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो इसके अंदर हम नमक और काली मिर्ची डाल देंगे। ये देखें, ये काफ़ी इसका थिक पेस्ट बन गया है। अब इसके अंदर मैं नमक, काली मिर्ची और कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। नमक 1/2, मैंने इसमें तकरीबन थोड़ी सी चीज़ डाल दी है ताकि ये मेल्ट हो जाए इसके अंदर, और बाकी जो है जब मैं असेंबलिंग करूँगी तो उसके ऊपर से। मैंने ये फ्राइज़ जो मैंने बॉईल किए थे, मैंने इसको फ्राइंग के लिए रख दिया। ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके बाद अपनी लोडेड फ्राइज़ की असेंबलिंग शुरू करेंगे। मैंने अच्छी तरह से असेंबलिंग कर दी है इसकी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी। ये देखिए, हमारे मज़ेदार से चिकन लोडेड फ्राइज रेडी हैं। मेरे चैनल स्मार्ट किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।